जैसा कि इस पीसीबी में आप देख रहे हैं कि अभी मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एसी लो का आना शुरू हो गया, और एसी लो का आना यानी हाई और लो दोनों आता है ना, एक हाई भी होता है और लो भी होता है। इसका संबंध यहीं से होता है। इसके पीछे जो एक एमसीयू को एसी का सिग्नल भेजा जाता है कैलकुलेट करके, और इन्वर्टर में तो ये ज़्यादातर है, इसमें आईएबी में ये चीज़ आता है। तो इसका हल जो रहता है बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे कि अब ये रेजिस्टेंस अगर ओपन हो गए जी सेल नहीं लिए तो कर लेंगे, तो इसमें अभी कैसा होगा कि यहाँ से जो वोल्टेज बनने वाला है, तो एक या तो 560 की ये रेजिस्टेंस ओपन होगी। अगर ये रेजिस्टेंस सही है तो फिर इसमें डिवाइडर बना हुआ है, तो उसे डायग्राम पे ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना के रखा हूँ डायग्राम सॉफ्टवेयर, इसका जो है यानी जो सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे तो पीसी में है। यहाँ पे 560 की रजिस्टर ये है जो लाइन से रहती है, ये इसे कन्वर्ट कर लिया जाएगा डीसी में यानी पल्स के रूप में हो जाएगा। और यहाँ पे एक ये देखेंगे तो डिवाइडर हुआ वोल्टेज को लिमिट कराने के लिए, और इसी लाइन पे फिर एक रजिस्टर लगा हुआ है ये भी लिमिट कराने के लिए करंट को, और यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है और एक 5 वोल्ट से लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे वोल्टेज मालूम हो जाएगा कि कितना यहाँ पे वोल्टेज बनेगा। और यहीं से पिन नंबर 67 को ये चली जाती है, और ये कैपेसिटर होता है। अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो एसी लो आएगा और चलता भी रहेगा, आएगा चलता रहेगा। तो उस कंडीशन में इसे चेंज कर देंगे क्योंकि ये फिल्टर नहीं कर पाएगा, और वोल्टेज को एक लिमिट टाइम तक यानी ये अगर देखा जाए तो ये एक तरह से यहाँ पे टाइमर का काम करता है। तो बहुत से लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये टाइमर का काम नहीं करेगा, लेकिन अभी ये टाइमर का भी काम करेगा और एमसीयू को कुछ डीले करके उसी वोल्टेज को देगा। तो पिन नंबर 67 पे एमसीयू के जाता है ये। तो इस तरह से है। अब मैं जो है अब इस रजिस्टर को चेक करूंगा ऊपर से ही, अगर ये रजिस्टर खराब हो जी होगी तो 0.5 यानी 7 से ऊपर मेग में शो करेगी या 560 से ऊपर जाएगी, जबकि इसे नीचे होना चाहिए। कोई भी रजिस्टर अगर जो बोर्ड में लगा हुआ है तो अपने वैल्यू से अधिक वैल्यू नहीं शो कर सकती है, कम ही शो करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पावर को बंद करूँगा क्योंकि इसमें कुछ देर तक अगर पावर रहता है तो भी हमारा ये मीटर थोड़ा सर्च करने में इसको तकलीफ़ होती है। तो मैं इसको डिसकनेक्ट भी करूँगा पावर से, और चेक करते हैं और देखते हैं। अगर ये ख़राब होगा तो हम इसे यहीं पे कट करके लगा सकते हैं, पीछे से भी कटिंग कर सकते हैं चाहें तो, लेकिन पीसीबी को जितना डिस्टर्ब ना करें तो आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ कारीगर जो आपके पास ये पीसीबी लाएंगे बनाने के लिए, उनको कैसा लगता है कि अगर ज़्यादा कुरेदा हुआ है, जगह जगह पे खड्ढा मारा हुआ है, तो उनको ये लगता है कि रिपेयरिंग हुई है, अन्यथा वो आपको ये बोलेंगे कि रिपेयरिंग कुछ हुआ नहीं, पैसा हमसे ले लिया। जबकि उनको ये नहीं मालूम है कि जो कम से कम खुदाई करके यानी खुदाई का मतलब समझ गए होंगे, कम से कम इसे कुरेद करके आसानी से कर ले। अभी इसमें बहुत से ऐसे फॉल्ट हैं कि अगर आपका फॉल्ट आ गया तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो जम्पर लगे होते हैं, ये जम्पर पे भी वोल्टेज आप चेक करके कन्फर्म कर सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसे समझने के लिए यही मेरा तरीका है, मैं ऐसे ही काम करता हूँ कि जम्पर को वोल्टेज चेक करके पहले ही फाइनल कर लेता हूँ कि हमारा कहाँ पे प्रॉब्लम है, और हमें कम से कम वो समस्या आती है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम समझते तो हैं कि यहाँ से अभी हमारा इतना ही होगा, लेकिन उससे रिलेटिव आगे और भी समस्या हो सकती है। जैसे अगर हमने यहाँ पे समझ लिया कि हमारी पावर सप्लाई नहीं बन रही है यानी डेड है, तो डेड कंडीशन में जब हम इस पीसीबी को बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें वोल्टेज चाहिए, लेकिन वो वोल्टेज जब हमें नहीं मिलेगा तो हम कहाँ पे उसको ढूंढेंगे,
ये समस्या आती है। लेकिन इसके लिए अगर जो आप थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले आपको मालूम है कि इसमें प्रेशर सेंसर को पहले सर्च किया जाता है। तो प्रेशर सेंसर को जो वोल्टेज जाने वाला है या जो भी आईसी लगी होगी, ऑसिलेटर लगा हुआ है, तो वो ऑसिलेटर यहाँ पे वोल्टेज को ऑसिलेट करा देगा। तो एक तरीका होता है कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरा चीज़ होता है डोर स्विच भी है, तो डोर स्विच पे 5 वोल्ट से पुल अप रहता है, ये मालूम है आपको। तो उस वोल्टेज को जरिए भी आप पता लगा सकते हैं कि इसमें वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है तो दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, दूसरा स्टेप ये होगा कि क्या हमारा स्विचिंग आईसी काम कर रही है या नहीं, या इसको डीसी वोल्टेज मिल रहा है या नहीं। तो इसके लिए क्या होगा, आपको ये पता लगाना होगा कि इसकी ड्रेन कौन सी है और सोर्स कौन सी है। तो ड्रेन और सोर्स के बीच में आप वोल्टेज को चेक करेंगे तो 320 वोल्ट मिल जाता है। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि हमें इस तरफ नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि इस तरफ से 320 वोल्ट बन के आ चुका है ड्रेन और सोर्स पे। अब रह गई स्विचिंग होने की बात। तो उस कंडीशन में आपको ये आईसी ही ख़राब निकलेगी, या इसकी फीडबैक से संबंधित जो भी रिलेटिव होगी तो यहीं पे मिलेगा आपको। दूसरा चीज़ क्या है, अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा तो ये आपकी समस्या आगे की तरफ बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ रही है सप्लाई ड्रेन और सोर्स पे। तो आपको ये वाला फिर देखना होगा सेक्शन। तो आपको अंदाज़ा लगाना होगा जिसमें लगा हुआ फ्यूज है, या जैसे ये संट रजिस्टर लगी हुई है, तो संट रजिस्टर इसलिए है यहाँ पे बोलेंगे कि ये फ्यूज का ही काम कराया हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप समझ लेंगे। तो चलिए हम पहले इसका वोल्टेज इसको चेक करते हैं कि ये हमारा सही है या ख़राब है। तो यहाँ पे देखिए एक शो कर रहा है कितना, 21 किलो ओम, ठीक है। लेकिन अभी हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें इसे रिवर्स में भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने रिवर्स पोर्ट लगा दिया, ठीक है। रिवर्स पोर्ट लगाते ही हमारा यहाँ पे जीरो हो गया, यानी ये हमारी रेजिस्टेंस जो है ख़राब है। तो मैं इसे कट करता हूँ और बाहर निकाल के भी चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगा के रखा है देखिए, और यहाँ पे 828 किलो ओम बता रहा है, यानी आपको दिख रहा होगा तो मेग में शो कर रहा है 0.828 मेग में। तो ये ऊपर नहीं होना चाहिए, इसे कम होना चाहिए। लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि टच करते समय हाथ से ना रहे, नहीं तो फिर आपका हाथ का रेजिस्टेंस भी इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो इसे हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 560 के की एक रजिस्टर लगा दिया, ठीक है। अब इसे मैं एक बार चालू कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये बाकी प्रोग्राम सब रन होने लगा और कोई एरर नहीं आया। तो इस तरह से है। और देखिए चिल्ला करके बात को बोलना मुझे नहीं आता है, और मेरी कुछ समस्या है, और वो समस्या बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पता नहीं ये उम्र का है कि क्या है, कैसे मैं इसे कहूँ आप लोग से। तो है कुछ ऐसे ही, चलिए फिर आगे जो भी होगा देखेंगे। तो फिलहाल देखिए आसानी से हमने इसे कर लिया, और ये तरीका हमारा ऐसे ही है, और ऐसे ही तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और ऐसे ही मैं बताऊँगा भी, एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से, जब तक आपको ये जानकारी ना हो जाए कि हाँ ऐसे ही काम होता है और ऐसे ही करेगा। आपका डाउट जब तक क्लियर नहीं होता है तो हमारा सिखाना या किसी भी इंस्टीट्यूट का सिखाना बताना वो किसी काम का नहीं है। अगर मैं बोल दूं कि इस रजिस्टर को निकालिए और दूसरा लगा दीजिए, तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे सिर्फ हम एक ट्रिक बता रहे हैं। कुछ लोग इस ट्रिक को लगाएंगे, चालू हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे यानी पीसीबी को सत्यानाश कर देंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो पीसीबी आप हाथ में लीजिए उसको फाइनल कर लिया करिए। लक बाई चांस पे मत रहिए कि यहाँ पे हमने लगाया और चालू हो गया तो हमारा सब ठीक है।
नहीं, ये जानकारी पूरी आपको होनी चाहिए कि यहाँ से जो पल्स जाती है वो EMCU के पिन नंबर 67 पे ही जाती है, और कितना वोल्टेज होता है तो उसे कैलकुलेशन से भी आप निकाल सकते हैं वो वोल्टेज, जबकि चाहें तो यहीं से आप पता कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और सब कुछ सही रहा तो, क्योंकि वीडियो आप देख ही रहे हैं कि बहुत स्लो हो गई है। अब सिर्फ क्लास की वीडियो रहेगी जो स्क्रीन पे रहेगी, और मैं सबसे पहले इस में एक आप लोग को बताने वाला हूँ, और वो है LM358 जो कंपरेटर होती है, कंपरेटर IC OPAMP में इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, पूरा 3 से 4 एपिसोड उसके होंगे, आप देख लेंगे तो पूरी ज़िंदगी में उसे नहीं भूलेंगे, ये गारंटी के साथ में है, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं है कि बस ऐसे बोल दिया, ऐसे नहीं, क्योंकि मैं बोलने से पहले उसे अच्छी तरह से खुद समझने की कोशिश करता हूँ, जब तक मुझे डाउट रहता है मैं उस बात को नहीं बोलता हूँ, ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर चिल्ला के बोलना रहे, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँ तो कोई मतलब मायने नहीं निकलता है, मतलब ये होता है ना कि देखिए सलीके से किसी बात को आप कहिए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपके समझ में भी आएगा, ज़्यादा चिल्ला के क्या मतलब होता है, चिल्ला के मतलब क्या, मैं भी ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत जानकारी है, नहीं भाई मुझे जानकारी नहीं है, मैं ये जानता हूँ कि हाँ इसे मैं जानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और फिर अच्छी टॉपिक पे बात भी करेंगे।